हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए डेली करंट मास्टर सीरीज। आज तारीख है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को आइए फटाफट से देखते हैं कि क्या है हमारे पास करंट अपडेट्स आज के लिए, है ना। सारे करंट अपडेट्स पर, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है उनको देखेंगे। आइए फटाफट से शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, बट उससे पहले कुछ मैंडेटरी जानकारी। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 20 बुक्स, है ना, जो कि अन अकेडमी के एडुकेटर्स ने मिलके लिखी हैं, मिलके बनाई हैं, ऐसे 20 बुक्स आपको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, फिजिकल फॉर्मेट में फ्री में मिलेगी आपके सब्सक्रिप्शन के साथ। ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिल सकता है ना, तो यू कैन गो फॉर इट। इसके अलावा अन अकेडमी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर ऑलरेडी ऑन है। 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 28 अप्रैल तक, तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। चाहे आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, दोनों में ये वैलिड है ना। नए बैच कोर्सेज जो हैं वो 14 तारीख से शुरू हैं। इनकेस आप ज्वाइन करना चाहें तो आज से शुरू हो रहे हैं बैचेज, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। और जो कोड है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने का वो है क्या, DN Live। इसी कोड को यूज़ करके आपको ज्वाइन करना है सो दैट आप मेरे साथ जुड़ पाएं और बाकी सारी टीचर की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। आप इस कोड को यूज़ करके ज्वाइन करेंगे बट अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आप सबको देख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइकोनिक या प्लस कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस की 1 ईयर की फ़ी है 49,072, 2 ईयर की फ़ी है, डिस्काउंट के बाद ये फ़ी हो जाती है। ये डिस्काउंट के लिए जो कोड है वो है DN Live, आपको पता ही है। चलिए, तो ये बात हो गई कोड की। फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहे हैं, आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए फटाफट से आपको लिए चलता हूँ डायरेक्ट मैं आज के खबरों पर। तो आप अगर आज का द हिंदू देखेंगे तो सबसे पहला अपडेट जो है आपको वो वैक्सीन्स के फास्ट ट्रैक अप्रूवल पर दिखेगा, तो सबसे पहले उसी पर लिए चलता हूँ आप लोगों को। गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग फरकान, श्रद्धा, शिवम, अनघा, श्री अभिषेक कर, मानस रंजन, अवंतिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्वेता जी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक अप्रूवल की, है ना, वैक्सीन्स के फास्ट ट्रैक अप्रूवल की बात कर रहे हैं हम। तो आपको पता है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं पिछले 24 आवर्स में, अभी जो रिपोर्ट हमारे पास है तो 24 आवर्स में हमारे यहाँ 1.85 लाख केसेस हुए हैं, है ना। अगर मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात करूँ तो 14,000 के आसपास केसेस देश की राजधानी दिल्ली में हुए हैं, और पूरे देश की बात करूँ तो सिर्फ 24 घंटे में 1.85 लाख, है ना, केसेस हुए हैं। तो आने वाले दिनों में 2 लाख का मार्क जो है वो हम टच कर लेंगे। प्रतिदिन 2 लाख नए कोविड केसेस हमारे यहाँ आ रहे हैं, और अगर डाटा में 2 लाख आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली कम से कम ये केस, है ना, अगर डाटा दिखा रहा है कि एक दिन में 2 लाख केसेस आए तो कम से कम उस दिन मैं मानता हूँ कि उसका 3 गुना यानी कि लगभग 6 लाख, मतलब अभी अगर 1.8 का डाटा आ रहा है तो लगभग कम से कम मिनिमम 5 लाख लोग, है ना, प्रतिदिन पॉजिटिव हो रहे होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। कई सारे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल नहीं जाते, टेस्ट नहीं करवाते, तो इतना तो खैर होगा ही। अब ऐसे में सरकार परेशान है कि भैया वैक्सीन का जो बास्केट है उसको बढ़ाया जाए, है ना, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन का बास्केट बढ़ाया जाए। तो सरकार क्या कोशिश कर रही है कि सेंटर इज ट्राइंग टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर मोर वैक्सीन कैंडिडेट्स, है ना। सरकार चाह रही है वैक्सीन बास्केट को बढ़ाना, है ना। आपने फूड बास्केट का नाम तो बहुत सुना, फ्रूट बास्केट का नाम सुना है ना, ऑयल बास्केट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वैक्सीन बास्केट। वैक्सीन बास्केट को सरकार बढ़ाना चाह रही है, इसके स्कोप को, है ना, इसके स्कोप को बढ़ाना चाह रही है और इसके रीच को बढ़ाना चाह रही है सरकार, ठीक है। और इसीलिए सरकार चाह रही है कि नए वैक्सीन्स भी हम क्या करें, नए वैक्सीन्स भी हम इंडिया में अप्रूव करें सो दैट फिर उनका इम्पोर्ट करवाया जा सके भारत में। तो भारत अब तक इतने समय से भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, अब हम सोच रहे हैं इम्पोर्ट करने की और ज़्यादा वैक्सीन्स। इम्पोर्ट करेंगे मतलब फार्मूला इम्पोर्ट करेंगे, फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है प्रोडक्शन इंडिया में ही हो सकता है बना बनाया हम बाहर से इम्पोर्ट करें, देखेंगे आने वाले दिनों में। तो 2 वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी हैं, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड, है ना, एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला है उसको सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में बना रहा है, ठीक है। अब तीसरा एक हमने अप्रूव किया कल, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम है स्पुतनिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पुतनिक के बारे में ही पहले आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखिए स्पुतनिक रशियन शॉर्ट गेट्स DGCI नॉड फॉर इम्पोर्ट्स, है ना।
तो रक्षण शॉट का क्या नाम है भैया इस रशिया की वैक्सीन का जो अप्रूव किया गया है, स्पुतनिक 5। तो सबसे पहले तो स्पुतनिक 5 के बारे में ही बात कर लेते हैं। रशिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है स्पुतनिक 5, है ना। अब रशिया के द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया और इंडिया ने अब इसको अप्रूव कर दिया है, मतलब अब स्पुतनिक 5 जो दो वैक्सीन ऑलरेडी हमारे हैं उसके साथ साथ स्पुतनिक 5 भी यूज की जाएगी, इसको भी लगाया जाएगा। तो स्पुतनिक 5 वाज ग्रांटेड इमरजेंसी अप्रूवल इन रशिया विदाउट प्रॉपर, है ना, कंट्रोल्ड ट्रायल्स। उस समय बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि भैया प्रॉपर ट्रायल्स रशिया में हुए ही नहीं और डायरेक्टली उन लोगों ने अप्रूव कर दिया। तो उस समय बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था रशिया में, पर बाद में अप्रूव करने के बाद, है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और अप्रूव करने के बाद जब ट्रायल्स हुए तो लैंसेट के रिपोर्ट में आया कि 91%, है ना, 91.6% के आसपास इसकी इफिकेसी है, मतलब, है ना, 91% असरदार है ये, ठीक है जी। तो 91% असरदार है ये वाला वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो अब हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं। बिफोर इंडिया द वैक्सीन वॉज अप्रूव्ड अंडर एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन 59 countries, है ना। तो एमरजेंसी यूज के लिए इस वैक्सीन को 59 यानी कि लगभग 60 देशों में अप्रूव किया जा सका है। इंडिया को मिला के 60 देश हो गए, मतलब काफी सारे देशों में ये वैक्सीन चल रहा है, है ना। नो डेफिनेट स्टडी एस्टेबलाइजिंग द इफिकेसी ऑफ वैक्सीन फॉर द न्यूअर वेरिएंट्स, है ना। आपको पता है कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, तो जो ये म्यूटेशन हो रहा है तो जो नए वाले वेरियंट्स हैं उनके लिए इस वैक्सीन को टेस्ट नहीं किया गया है। द वैक्सीन हैज नॉट प्रूव्ड इट्स इफिकेसी कि नए वाले वेरियंट्स के लिए भी ये कारगर साबित होगा या नहीं, ये पता नहीं है, ठीक है। बावजूद इसके हम इसको अब अप्रूव कर चुके हैं और यूज करेंगे। जो DCGI है हमारा डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारा, तो ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। चलिए एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के लिए, एमरजेंसी यूज मतलब इसका फुल, है ना, फुल इसको ऑथोराइजेशन नहीं मिला, कंप्लीट ऑथोराइजेशन नहीं मिला इसको, सिर्फ एमरजेंसी यूज। दो तरह के ऑथोराइजेशन होते हैं, एक फुल कंप्लीट ऑथोराइजेशन, एक एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। तो अभी सिर्फ एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मिला है इसको। एक तो बात हो गई हमारी स्पुतनिक 5 की। दूसरा, अगर आप आज के द हिंदू में फ्रंट पेज पे देखेंगे तो सेंटर और भी इस तरह के वैक्सीन को, है ना, वैक्सीन कैंडिडेट्स को अप्रूव करने की सोच रहा है। तो देखिए पहले क्या होता था, कोई भी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा, इनफैक्ट अभी भी हो रहा है, 5-6 वैक्सीन का इंडिया में अभी भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो पहले क्लिनिकल ट्रायल होगा, क्लिनिकल ट्रायल के डाटा के बेसिस पे फिर डिसाइड करेंगे अप्रूव करना है या नहीं करना। पर अब भारत सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, ऐसे वैक्सीन जो ऑलरेडी किसी दूसरे देश में अप्रूव हो चुके हैं उनको हम अप्रूव कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी दूसरे देश में अप्रूव हो गए उनके लिए फिर हमें क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए जैसे जिसको यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, है ना, उसने अप्रूव कर दिया, या US का FDA है उसने अप्रूव कर दिया, तो US FDA के द्वारा अप्रूव है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा अप्रूव है, या UK मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा अप्रूव है, जापान के द्वारा अप्रूव है। तो जो कुछ देशों के द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड वैक्सीन है उनको अब हम लेकर आ रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीन वैक्सीन की मुख्य रूप से बात चल रही है। एक है फाइजर की वैक्सीन, है ना, फाइजर लिखा जाता है, पढ़ा जाता है इसको फाइजर। तो फाइजर की जो वैक्सीन है उसका इफिशियंसी जो है, उसका इफिकेसी जो है वो लगभग 91% है। दो डोजेस दिए जाते हैं 3 वीक के गैप पे, है ना। फुल यूज के लिए लगभग 5 देशों में ये अप्रूव्ड है, है ना। बड़ी बात क्या है, हम इंडिया में हम जो वैक्सीन यूज करते हैं वो एमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव है, ये वैक्सीन फुल यूज के लिए 5 देशों में, है ना, 5 countries में फुल यूज के लिए अप्रूव्ड है। तो बड़ी बात तो ये है एक, ठीक है जी। दूसरा है मोडेरेना का वैक्सीन। मोडेरेना का वैक्सीन जो है वो फुल यूज के लिए स्विट्जरलैंड में, है ना, अप्रूव हो चुका है और एमरजेंसी यूज के लिए भी काफी सारे देशों में। इसकी इफिकेसी बताई जाती है 94.5%, है ना। तो काफी इफिकेसी इसकी ज्यादा है बाकी के वैक्सीन के कंपेरिजन में, 94.5 और ऊपर से इंडिया में नहीं हुआ है ना, इंडिया वाले तो वैसे ही बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। तो स्विट्जरलैंड में अप्रूव हो चुका है और अगर कह रहे हैं 94.5% इफिकेसी है, मतलब अच्छा है, दो डोजेज लेते होते हैं इसके भी। तीसरा वैक्सीन जिस पर अभी इंडिया चर्चा कर रहा है वो है जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन। इसकी इफिकेसी कम है, सिर्फ 72% है और इसके सिर्फ सिंगल डोज की जरूरत होती है, इसमें दो डोज की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज की जरूरत होती है, ठीक है जी। 10% में मरते हैं,
हाँ वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं बस। और बाकी अभी रिसेंटली जैसे एक स्टेटमेंट आया था कि वैक्सीन के बाद सिम्टम्स थोड़े माइल्ड होते हैं, तो ठीक है भैया जो चल रहा है वो चल रहा है ना। चलो तो ये तीन वैक्सीन्स हैं जिनकी बात अभी हमारे यहाँ चल रही है कि हम इनको अप्रूवल करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। सो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्टेड इन इंडिया वेयर नीडेड बिफोर इंडियन रेगुलेटर कुड अप्रूव द वैक्सीन्स। पहले क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत पड़ती थी, अब बाहर जो अप्रूव हो चुके हैं हम डायरेक्ट उनको इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो ये वैक्सीन से इंडिया में आने की बातचीत चल रही है। ठीक है बॉस, यहाँ तक हो गया। स्पुतनिक 5 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगले अपडेट पे चलते हैं। अगला अपडेट क्या है आपका? दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आप बोलेंगे सर ये दरबार मूव क्या है, व्हाट इज दिस दरबार मूव, है ना। आपको पता है जम्मू कश्मीर के दो कैपिटल्स हैं, है ना। जम्मू कश्मीर के पहले जब एक कंप्लीट स्टेट हुआ करता था, अब यूनियन टेरिटरी है, फिर भी इसके दो कैपिटल हैं, एक आपका श्रीनगर, है ना, श्रीनगर जो कि अभी समर टाइम का कैपिटल है, ठीक है, और दूसरा जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है ना। तो हर वर्ष क्या होता है समर के टाइम में, है ना, समर के टाइम पे पूरा का पूरा जो प्रशासनिक मतलब आपके ये महकमा है, जितनी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, सब कुछ, सारे ऑफिसर कर्मचारी फाइल सब कुछ उठ के जम्मू से श्रीनगर जाएगा गर्मियों में, सर्दियों में वापस से सारी फाइल्स, सारे ऑफिसर, सारे कर्मचारी, सारे चपरासे प्योन सब उठ के फिर श्रीनगर से जम्मू आएंगे। तो हर साल, है ना, साल में दो बार ये होता है भैया दरबार मूव, एक बार जम्मू से श्रीनगर, अभी जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो अभी जम्मू से श्रीनगर जाने का टाइम है, जम्मू से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से जम्मू। तो भैया इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को हम साल में दो बार इधर से उधर ले जाते हैं। किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कोई छोटी मोटी तो होती नहीं है भैया। तो इतना सारा मनी, इतना सारा टाइम, इतना सारा रिसोर्सेज, इतनी सारी एनर्जी इस चीज पर हम खर्च करते हैं दरबार मूव पर। तो अब क्या बात हो रही है भैया, अब बोल रहे हैं कि इस तरह का, है ना, ये जो है बड़ा इररिलेवेंट, बड़ा इनिफिशियंट सिस्टम है, इसको कम किया जाए। बंद तो नहीं कर सकते, कैपिटल ले जाने की प्रथा है तो अभी बंद करने की कुछ बात नहीं हुई है। बोले जो शिफ्ट करते हैं हम, तो जो सिर्फ क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल फाइल्स हों, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हों, उन फाइल्स को ले जाया जाए ना। बाकी तो वैसे भी ई गवर्नेंस का जमाना चल रहा है आजकल, तो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत क्रूशियल जो फाइल्स हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, उनको लेकर जाएंगे। बाकी पूरा का पूरा जो प्रशासनिक ढांचा यहां से वहां उठा कर ले जाते थे, ये अब नहीं करेंगे, है ना। दिस विल नॉट कंटिन्यू, दरबार मूव ट्रेडिशन इन जम्मू कश्मीर डिसकंटिन्यूज, ठीक है, फ्रॉम दिस ईयर, अब से डिसकंटिन्यू हो गया। द मूव एम्स टू टेक ओनली सेंसिटिव रिकॉर्ड्स फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर स्टार्टिंग दिस सवर। सिर्फ जो सेंसिटिव रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं को ले जाया जाएगा, बाकी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे रिकॉर्ड्स को जो ले जाया जाता था वो अब नहीं चलेगा सिस्टम, ठीक है। दरबार मूव क्या है? एक बाय एनुअल शिफ्ट है, है ना, समझा चुका हूँ मैं आपको। साल में दो बार पूरी की पूरी सारी रिकॉर्ड, सारे फाइल, सारे ऑफिसर्स इधर से उधर जाते हैं। तो बाय एनुअल शिफ्ट है ऑफ सेक्रेटरिएट ऑल, है ना, एंड ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के बीच में ये एक प्रकार का बाय एनुअल शिफ्ट है, ठीक है। तो कश्मीर में समर में, जम्मू में विंटर में, ऐसा होता था पहले। अब ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1872 में, उस समय के तत्कालीन डोगरा राजा जो थे रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने शुरू किया था। उस समय प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, प्लस राजा महाराजाओं को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी, है ना, कर रहे हैं भाई साहब, है ना, बहुत पैसा कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। पर आज के डेट में ये कितना रिलेवेंट है, कितना प्रैक्टिकल है, है ना, कितना वियेबल है, ये हमें देखना था, है ना। तो अब ये प्रैक्टिस को हम कर रहे हैं बंद। द प्रैक्टिस जो पहले हुआ करता था, एम्स टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, है ना, बोले लोगों के डोर स्टेप तक प्रशासनिक व्यवस्था को हम लेकर जाएंगे, ये सोच के उस समय किया गया था, ठीक है। तो शुरू कब से? ये 1872 से। अभी दरबार मूव का ये जो कंसेप्ट है, इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ। सबसे पहले तो हाई कॉस्ट की वजह से, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड्स नियरली 200 करोड़ ऑन दिस एक्सरसाइज एवरी ईयर। क्या आप सोच सकते हैं कितना खर्चा ये? 200 करोड़ प्रति वर्ष सिर्फ, है ना, पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को इधर से उधर, ये कैपिटल शिफ्टिंग में लग जाता है। क्या मजाक है भैया, 200 करोड़ में कितनी वेलफेयर एक्टिविटीज हो जाए? 200 करोड़ प्रति वर्ष लग रहा है भाई साहब इस छोटे से काम पे,
है ना, जो कि कुछ सिग्निफिकेंट भी नहीं है। अगर कैपिटल जम्मू में ही रह जाए तो क्या दिक्कत है, दिल्ली में भी इतनी गर्मी होती है, कैपिटल है नहीं है, काम होता है या नहीं होता है। तो इससे सरकार का बहुत सारा जो पैसा है वो फालतू में इधर बेकार जा रहा था, ठीक है, और सरकार की तरफ एक तरफ बाकी के काम के लिए पैसा नहीं है और इतना पैसा यहाँ लगा देते हैं। इम्पैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में इनिफिशियंसी आती है, काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारा एनर्जी, काफ़ी सारे रिसोर्स सिर्फ शिफ्टिंग में लग जाता है ना। मूवमेंट ऑफ सेंसेटिव डॉक्यूमेंट्स, अब सेंसेटिव डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर ले जाना ये भी तो बहुत सेफ नहीं है, है ना, तो वो भी टेंशन थी। अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बोला कि भैया ये जो हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर वॉज नो लीगल जस्टिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द दरबार मूव, बोले इसके लिए कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, फालतू में क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, है ना, वेस्टेज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम एफर्ट एंड एनर्जी। हाईकोर्ट क्या कहता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम एफर्ट एनर्जी, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बंद करो भैया। देयरफॉर द कोर्ट रिकमेंडेड दैट इंस्टेड ऑफ द मूव द रिसोर्सेज एंड टाइम गेट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, है ना, बोले जो रिसोर्सेज, जो पैसे, जो टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं वो लोगों की भलाई में लगाओ, ज्यादा काम आएगा, ठीक है जी। तो ये बात हो गई, यहाँ पे कंफर्टेबल है यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, चलिए आगे चलते। अगला क्या है, अगला अपडेट है हमारा आहार क्रांति मिशन, है ना, आहार क्रांति, आहार मतलब समझ ही रहे हैं आप, भोजन, है ना, भोजन से संबंधित क्रांति लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब भोजन से संबंधित आहार क्रांति जो है, इससे संबंधित 2013 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट पिंक रिवॉल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री फॉर एंश्योरिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्रिटिकली इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेट किया, और फिर पिंक रिवॉल्यूशन को कहाँ से रिलेट किया, बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज द नीड ऑफ द आवर, है ना, हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी से शिफ्ट हो गया, हम बात करने लगे आजकल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे, है ना, मतलब ये नहीं कि बस पसेरी भर का खा लिया। आप दिल्ली आओ, ये मुखर्जी नगर में जो बच्चे रहते हैं हमारे, मुखर्जी नगर वाले बच्चों को कह दो, उनको पता चल जाए कि उनका कोई दोस्त करोल बाग में रहता है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और उसके रूम पे आज चिकन बन रहा है, भाई साहब मेट्रो अगर रात को बंद हो गई, पैदल चला जाएगा दिल्ली मुखर्जी नगर से करोल बाग लड़का, है ना, पर वो चिकन नहीं छोड़ेगा, है ना। अब आप बोलेंगे सर चिकन में तो न्यूट्रिशन होता है, भैया चिकन में न्यूट्रिशन होता है, पर उस चिकन को जब आप खूब सारा ऑयल में फ्राई करते हैं, चिकन से ज़्यादा मसाला डालते हैं, फिर उसका न्यूट्रिशन कहाँ चला जाता है आपको भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो आहार क्रांति की बात कर रहे हैं हम भारत में, कि भैया ऐसा नहीं कि सिर्फ ठूसते जाओ, है ना, दाल चावल दबा लिए हैं हम, चिकन दबा लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, है ना। तो विज्ञान भारती एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, है ना, बैक्ड बाय बीजेपी ऑब्वियसली, ठीक है, विज्ञान भारती हिंदी में इसको बोलते हैं विभा। तो विभा एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जो नेशनल साइंस डे अगर आप सेलिब्रेट करते हैं उसमें इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। विभा एंड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम जिस्ट, है ना, विभा और जिस्ट मिलकर आहार क्रांति लॉन्च कर रहे हैं। पर्पस क्या है भैया, पर्पस है एम इज टू स्प्रेड द मैसेज फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, है ना, कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट की जरूरत है, इस बात को पहुंचाना सब तक, है ना। तो लोकल फ्रूट्स कंज्यूम करें आप, सीजनल फ्रूट्स कंज्यूम करें, है ना, लोकल वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, ये सारी बातों से संबंधित अवेयरनेस यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन पॉइंट है, एक बेटर अवेयरनेस, है ना, बेटर न्यूट्रिशन एंड बेटर एग्रीकल्चर, ठीक है, हम अवेयरनेस ले आए, ठीक है। अब अवेयरनेस से फिर न्यूट्रिशन भी आ जाएगा, अब जब अवेयरनेस से न्यूट्रिशन आ गया, है ना, अवेयरनेस से न्यूट्रिशन आ गया, लोग डिमांड करने लगे कि भैया मेरा ये रिक्वायरमेंट है, पर एग्रीकल्चर रेडी ही नहीं है, तो फिर सप्लाई ही नहीं हो पाएगा। मतलब एक तरफ पहले हम डिमांड की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाएंगे बेटर न्यूट्रिशन, मतलब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, उस डिमांड को मीट करने के लिए, है ना, फिर सप्लाई की भी बात करनी पड़ेगी ना भाई, ठीक है, सप्लाई की भी बात करनी पड़ेगी। तो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड की बात कर रहा है विज्ञान भारती के तत्वाधन में, विज्ञान भारती के लीडरशिप में ये हमारा प्रोग्राम चलेगा आहार क्रांति। इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों साइड की बात हो रही है, अवेयरनेस भी करेंगे, है ना, बेटर न्यूट्रिशन भी लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, और उसके लिए बेटर एग्रीकल्चर भी होगा, ठीक है। तो व्हाट एंड व्हाई ऑफ न्यूट्रिशन,
ठीक है भैया, क्या आपको न्यूट्रिशन में क्या आपको लेना है और क्यों लेना है, वाई, ठीक है। तो इन माध्यमों पर चर्चा होगी, गेम्स के माध्यम से यहाँ पे हम बच्चों को सिखाएंगे। अब इसका अप्रोच क्या होगा भैया, अप्रोच क्या होगा, तो बोले भैया करिकुलम में इंक्लूड करेंगे, पाठ्यक्रम में इंक्लूड करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, इंग्लिश हिंदी और वर्नैकुलर लैंग्वेज, है ना, मतलब अंग्रेजी हिंदी साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज सब में अवेलेबल होगा, ठीक है, सब में यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी कि कंटेंट अवेलेबल होगा। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया आखिर अवेयरनेस जो हमें फैलाना है, तो हम अगर बुक्स में अवेयरनेस ला रहे हैं ना, करिकुलम में लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ बच्चों तक गया, हमें तो समाज में पहुंचाना है ना। बोला भैया देखिए अप्रोच क्या है, पहले टीचर्स को सिखाएंगे, है ना, पहले टीचर्स को सिखाएंगे, गुरुज को सिखाएंगे, अब ये गुरु जो है ये बच्चों को सिखाएंगे, है ना, चिल्ड्रन को सिखाएंगे, अब ये चिल्ड्रन जो है ये पेरेंट्स को सिखाएंगे, और ये जो पेरेंट्स हैं फिर ये धीरे धीरे इस चीज़ को पूरी सोसाइटी में लेकर जाएंगे, है ना, पेरेंट्स तक पहुंच गया, अपने आप सोसाइटी तक पहुंच गया। तो ये अप्रोच है ना, दिस इज द अप्रोच दैट इज टू बी फॉलोड, ठीक है, इस अप्रोच को फॉलो करेंगे कि टीचर्स को सिखाएंगे, टीचर्स को सिखाने के बाद टीचर्स बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स को सिखाएंगे, है ना। इसी अप्रोच को पोलियो इरेडिकेशन के लिए भी यूज़ किया गया था, और इसी अप्रोच को अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करने की बात चल रही है। सच ए स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, ठीक है, और आयुर्वेद बेस्ड न्यूट्रिशन पर भी यहाँ पर काम करेंगे, मतलब जो आयुर्वेद का नॉलेज है उसको भी यहाँ पे हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ में लेंगे, ठीक है जी। ये सारी बातें हो गई, ठीक है, प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना, आहार क्रांति मिशन, कौन कर रहा है, विज्ञान भारती यानी कि विभा शॉर्ट में बोलते हैं, विथ ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम, ठीक है भाई, समझ में आ गया, कंफर्टेबल है, चलिए। द मिशन विल एड्रेस द करंट सिचुएशन ऑफ हंगर इन अबंडेंस, है ना, हंगर का जो सिचुएशन है उसको एड्रेस करेगा, लोग इंडिया ट्रेडिशनल डाइट, लोकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अ बैलेंस डाइट, इन सब चीज़ों को प्रमोट करेगा, ठीक है भाई, चलिए। फर्दर जो यूनाइटेड नेशंस है दैट हैज ऑल्सो डिक्लेयर्ड 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, 2021 को यूएन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हेंस द आहार क्रांति। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये आहार क्रांति, तो आहार क्रांति के बारे में डिस्कस करते करते कुछ जानकारी मैंने आपको दी कि 2021 को जो है 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिक्लेयर किया गया है, है ना, जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है ना, SDG 3, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, तो जो SDG 3 है दैट एम्फेसाइजेस, है ना, ऑन वॉट एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, है ना, हेल्दी लाइफ एंड वेलबींग की बात करता है SDG 3, ठीक है, SDG 3 जो है वो बात करता है हेल्दी लाइफ की, ठीक है, चलिए। तो अगला अपडेट जो है हमारा वो भी हेल्थ से संबंधित ही है, वन हेल्थ सिंपोजियम, है ना, वन हेल्थ सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी अध्यक्षता की हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयर्स ICMR's इंटरनेशनल सिंपोजियम फॉर वन हेल्थ इन इंडिया, है ना, ICMR जो है वो एक इंटरनेशनल सिंपोजियम करवा रहा है, सिंपोजियम का नाम है वन हेल्थ। तो दरअसल ये वन हेल्थ क्या है,
वन हेल्थ बेसिकली एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमंस का हेल्थ, एनिमल्स का हेल्थ और इकोसिस्टम का हेल्थ सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, है ना। अगर इकोसिस्टम का हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहा तो मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होगा, अगर एनिमल्स का हेल्थ अच्छा नहीं हुआ तो मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होगा, अगर मेरा और एनिमल्स का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो इकोसिस्टम का हेल्थ नहीं अच्छा होगा। तीन कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द इकोसिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। बोले सबका हेल्थ जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और इधर प्रकृति है आपकी, ठीक है। तो पीपल हु प्रोटेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट हेल्थ एंड अदर पैरामीटर्स टू अचीव द बेस्ट हेल्थ आउटकम्स फॉर पीपल एनिमल। ओहो कहाँ चला गया, हाँ जी। तो बात हो रही है कि नेचर के बीच में और ह्यूमंस के बीच में क्या क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होना चाहिए। वन हेल्थ का कंसेप्ट क्या कहता है, एक ऐसा अप्रोच है दैट रिकॉग्नाइजेस, है ना, द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड, सभी का हेल्थ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ये कंसेप्ट कहता है वन हेल्थ का कंसेप्ट, ठीक है। ये वन हेल्थ का कंसेप्ट कहता है कि सभी का हेल्थ जो है वो इंटरकनेक्टेड, हेंस इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग अ कोऑर्डिनेटेड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर बोले इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। सभी के हेल्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तभी हम जो एग्जिस्टिंग रिस्क वगैरह है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। जो ये अप्रोच है इंटीग्रेशन वाला अप्रोच, है ना, जिसमें हम तीन की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस, है ना, एनिमल्स, ठीक है, और इकोसिस्टम, ठीक है, इनके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया अगर हमको कोई अप्रोच लेकर चलना है कि ह्यूमंस का हेल्थ अच्छा रहे तो हमें इकोसिस्टम और एनिमल्स के भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स द सेम माइक्रोब्स इन्फेक्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये हमने देखा भी है, जूनोटिक डिजीज वगैरह की बात करते हैं हम लोग, है ना। हेंस एफर्ट्स बाय वन सेक्टर कैनॉट प्रिवेंट और एलिमिनेट द इन्फेक्शन, है ना, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की इसीलिए बात हो रही है। जैसे रैबीज है, इन ह्यूमंस कैन बी इफेक्टिवली प्रिवेंटेड ओनली बाय टारगेटिंग द एनिमल सोर्स वायरस, है ना, रैबीज में भी ये है, ठीक। इंफॉर्मेशन ऑन इन्फ्लुएंजा वायरस सर्कुलेटिंग इन एनिमल्स इज क्रूशियल टू द सिलेक्शन ऑफ वायरस फॉर ह्यूमन वैक्सीन्स और पोटेंशियल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स, कोविड के केस में हम लोग ये देख ही रहे हैं अभी। अप्रोच इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर फूड सेफ्टी, है ना, जूनोस के कंट्रोल के लिए, दैट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जूनोटिक डिजीज जो हम कहते हैं, ठीक है, रैबीज वगैरह, फ्लू वगैरह, है ना, तो इन सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ काम हो। यही बात है वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर इस अप्रोच के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो जो कायंसुर फॉरेस्ट डिजीज है ना, हाईली डेंजरस, इसमें फीवर हो जाता है जो, ठीक है, इवन कोविड से भी ज्यादा थ्रेटनिंग अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। चलिए, तो वन हेल्थ सिंपोजियम, है ना, वन हेल्थ सिंपोजियम, वन हेल्थ सिंपोजियम के बाद हम बात करने वाले हैं नागा सीज फायर की। ये टॉपिक जो है ये यहाँ पे गलत लिखा है, नागा सीज फायर, है ना, नागा इशू। अगला जो अपडेट है वो है हमारा नागा इशू, नागा सीज फायर से संबंधित है, है ना, थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से, बीच में क्लास रुक गई थी तो आप लोग इधर उधर ध्यान चला गया आप लोगों के, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लो। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है सीज फायर एग्रीमेंट विथ थ्री इंसर्जेंट नागा ग्रुप्स, है ना, तीन इंसर्जेंट नागा ग्रुप के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीज फायर को एक्सटेंड किया है एक साल के लिए, है ना। अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं, द सीज फायर एग्रीमेंट इज इन ऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड द थ्री इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ नागालैंड। कौन कौन से नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप है जिनके साथ सरकार का सीज फायर चल रहा है, पहला है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, है ना, NKNSCNNK, ठीक है, तो ये नाम है पहले ग्रुप का। दूसरा ग्रुप है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन, देखो एक जैसा ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। और तीसरा नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो, है ना, के खांगो। तो तीन ग्रुप्स हैं, तीन ग्रुप्स के साथ अभी सीज फायर का जो एग्रीमेंट था उसको सरकार ने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी।
समझ गए ये बात तो ओके है कि सरकार ने एक्सटेंड कर दिया। जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है ना इसक, है ना इसक मूविया है ना, ये मेन ऑर्गेनाइजेशंस में से है। दिस इज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशन। जो पीस नेगोशिएशन चल रहा है दैट हैज बीन ऑन सिंस 1997 जब ये ग्रुप साइंड अ सीज फायर एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। 2015 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है ना, 2015 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जो रवि साहब हैं प्रधानमंत्री जी के चहेते उनकी एफर्ट्स के साथ हुआ। 2015 में ग्रुप साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन, है ना। हालांकि ये अलग बात है कि जमीनी स्तर पर उसका कुछ खास आउटपुट दिखा नहीं। एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिकनेस ऑफ नागा हिस्ट्री कल्चर ऑफ नागालैंड, है ना। हाउएवर द टॉक्स विद एनएससी एनआईएम सीम्स टू हैव हेडिंग नोवेयर प्रेजेंटली। द ग्रुप हैज बीन इंसिस्टिंग ऑन अ सेपरेट नागा फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये ग्रुप का क्या डिमांड है? पहले तो इनिशियली वैसे सभी ग्रुप्स का क्या डिमांड था, इनिशियली सभी ग्रुप्स का एक ही डिमांड था कि भैया एक सेपरेट देश बनाया जाए, इनिशियल डिमांड यही था, है ना। अभी प्रेजेंट डिमांड क्या है इन लोगों का? प्रेजेंट डिमांड है इस ग्रुप का एक सेपरेट नागा फ्लैग हो और एक नागास के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, हमारे देश में एक ही संविधान रहने वाला है। दूसरा ग्रुप है आपका नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, है ना। दे साइंड अ सीज फायर एग्रीमेंट इन 2001 में इन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था। हाउएवर यूनिलैटरली एब्रोगेटेड इट इन 2015 व्हेन द ग्रुप अटैक्ड अ मिलिट्री कॉन्वॉय इन मणिपुर, है ना। मणिपुर में इन लोगों ने 2015 में एक मिलिट्री कॉन्वॉय को अटैक किया, 18 सोल्जर्स है ना यहाँ पे शहीद हो गए। इस अब भैया सीज फायर है और आप अटैक कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आप यूनिलैटरली अपनी तरफ से ही एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में द ऑर्गेनाइजेशन अगेन अनाउंस्ड सीज फायर एंड सेड दैट आउटफिट हैज कॉन्टेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनिशिएट अ पीस डायलॉग, है ना। 2020 में उन लोगों ने दिसंबर में अभी हाल में ही इन लोगों ने बोला कि हम फिर से सीज फायर अनाउंस करते हैं और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात है विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट, है ना। एनएसए के द्वारा एक रिलीज किया गया रिपोर्ट है विमेन एंड मेन इन इंडिया। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है दैट हैज रिलीज्ड विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2020। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रोड्यूसेस दिस रिपोर्ट एनुअली। ये इसका 22वां एडिशन है ना, 22वीं बार ये रिपोर्ट रिलीज कर रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है? टू कंसोलिडेट द क्रूशियल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, है ना, जो जेंडर सिचुएशन के वो बताए, जेंडर सिचुएशन को बताने वाली सारी जानकारी को कंसोलिडेट करने का ये एक यहाँ पर अप्रोच है, या एक आप कहिए कि एक ऐसा रिपोर्ट है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट किया जाता है। की फैक्ट्स क्या क्या है इस रिपोर्ट से? पॉपुलेशन एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। इंडिया प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इन 2021 इज 136.13 करोड़, है ना। 48.65% फीमेल पॉपुलेशन रहने वाला है, मतलब अच्छा खासा फीमेल पॉपुलेशन भी होगा। प्रोजेक्टेड एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइंड फ्रॉम 1.63 इन 2011 टू 1.27 इन 2016। 2016 में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा था उसमें डिक्लाइन आया है। इट इज लाइकली टू फर्दर डिक्लाइन टू 1.07 इन 2021, है ना। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट रहा है हमारा, ठीक है। पॉपुलेशन ओवरऑल भले ही बढ़ रहा है बट जो ग्रोथ रेट है वो घट रहा है। प्रोजेक्टेड सेक्स रेशियो इज लाइकली टू इंक्रीज फ्रॉम 943 टू 948। 2021 में कितना हो जाएगा? 948 हो जाएगा। नोटेबल इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन दिल्ली। दिल्ली में सेक्स रेशियो में 5% की वृद्धि हुई। चंडीगढ़ में, दिल्ली में 5.7, चंडीगढ़ में 5.3, अरुणाचल प्रदेश में 5। कॉन्ट्ररी टू दिस दमन एंड दीव रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन ऑफ 13% इन सेक्स रेशियो, जो कि काफी चिंताजनक स्थिति है, है ना। चलिए अगर मैं बात करूँ डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है विमेन का उस चीज की, तो विमेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिक्लाइंस ओवर द ईयर्स, है ना। प्रोपोर्शन ऑफ विमेन मिनिस्टर्स इज 9.26। 2020 में मात्र 9% महिला मंत्री है हमारे पास। फीमेल इलेक्टर्स की बात हम करें तो परसेंटेज ऑफ फीमेल इलेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन जनरल इलेक्शन वेंट अप फ्रॉम 65% इन 16 लोकसभा टू 67% इन 17 लोकसभा। तो फीमेल्स घर से ज्यादा बाहर आ रही हैं,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपनी बात रखना चाहती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वेमेन एमपीज की बात करें तो टोटल ऑफ 78 वेमेन मेंबर्स है ना, कंस्टिट्यूटिंग 14% ऑफ द एमपीज, तो मात्र 14% फीमेल एमपीज हैं हमारे पास। जुडिशरी की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वेमेन जजेस इज 10 है ना, कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, फॉलोड बाय 9 इन मद्रास है ना, तो जुडिशरी में वेमेन की संख्या काफी कम है। नो फीमेल जज इन पटना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इन राज्यों में कोई फीमेल जजेस है ही नहीं। अगर मैं इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन अ डिक्लाइन ट्रेंड है ना, 43rd राउंड ऑफ एनएसएसएफ से लेके अभी तक है ना, मतलब 88 से लेकर 2018 तक एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन वेमेन का घटता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड इन ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट सेक्टर शेयर ऑफ वर्कर्स हैज शोन इंक्रीजिंग ट्रेंड। एग्रीकल्चर सेक्टर के वो लोग कहाँ जा रही हैं, होटल में, रेस्टोरेंट्स में, ट्रेड में है ना, ये इविडेंट है यहाँ पे। चलिए हेल्थ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट हैज डिक्रीज फ्रॉम 39 to 32 है ना, 2014 में 39 था, अब 32 हो गया है। साथ ही साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हुआ है 212 से 113 है ना, इसमें काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन है ये। एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ना। तो फर्दर जो मैं बात करूंगा, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ रूरल इंडिया वॉज 2.3 इन 2018, इट वॉज 1.7 इन अर्बन एरियाज इन 2018। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली वेलफेयर फैमिली हेल्थ सर्वे, ऑलमोस्ट 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वॉज ऑब्जर्व इन द स्टेट ऑफ गोवा, केरला एंड लक्षद्वीप। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की वजह से ही जो मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट है वो थोड़ा कम है ना, समझ गए, कंफर्टेबल है। चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, शाम को मिलेंगे 7 बजे, फिर आगे की बात करेंगे। बाकी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ अभी 20 बुक्स वगैरह फ्री मिल रही हैं, आप वो लेना हो तो आप ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है दिस इज ऑल्सो है ना, एक 4 मंथ्स का आपको इसमें एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है, 2022 और 23 वालों को, मतलब 1 ईयर और 2 ईयर दोनों पे मिल रहा है। इस कोड को यूज़ करके आपको सब्सक्राइब करना है। नए बैचेस जो है वो आज से 14 से शुरू हो रहे हैं, तो आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं, कोड आपको पता ही है। बाकी सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, सभी मिलके पढ़ा रहे हैं आपको, तो मान लीजिए कभी मेरी तबीयत खराब है, कभी किसी और की तबीयत खराब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आपका कोर्स चलता रहेगा क्योंकि बड़े सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी है ना। प्लस और आइकॉनिक दोनों ले सकते हैं आप, प्लस का 1 ईयर का फी 49 है, 2 ईयर का 72 है, डिस्काउंट के बाद ये फी हो जाती है, ठीक है जी। चलिए बाकी आपको सारी चीज़ें पता ही है, मिलते हैं शाम को 7 बजे है ना, हिस्ट्री की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडी।